माफी। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं हजरत हव्वा से। मैंने ही अफवाह उड़ाई थी कि उसने आदम को बहकाया था और उसके मासिक धर्म की पीड़ा उसके गुनाहों की सजा है जो रहेगी सृष्टि के अंत तक। मैंने ही बोए थे बलात्कार के सबसे प्राचीनतम बीज। मैं माफ़ी मांगता हूं उन तमाम औरतों से जिन्हें मैंने पाप योनि में जन्मा हुआ घोषित करके अज्ञान की कोठरी में ढकेल दिया और धरती पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा और वजीर बन बैठा और द्वारपाल बन बैठा। मेरी ही शिक्षा थी ये बताने की कि औरतें रहस्य होती हैं, ताकि कोई उन्हें समझने की कभी कोशिश भी ना करे। कभी कोशिश करे भी तो डरे, उनमें उसे चुड़ैल दिखे। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन तमाम राह चलते उठा ली गई औरतों से जो उठाकर ठूंस दी गई हरम में। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन औरतों से जिन्हें मैंने मजबूर किया सती होने के लिए। मैंने ही गढ़े थे वे पाठ कि द्रौपदी के कारण हुई थी महाभारत, ताकि दुनिया के सारे मर्द एक होकर घोड़े से रौंद दे उन्हें जैसे रौंदी है मैंने धरती। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन आदिवासी औरतों से भी जिनकी योनि में हमारे राष्ट्रभक्त सिपाहियों ने घुसेड़ दी थी बंदूकें। वो मेरा ही आदेश था, मुझे ही जंगल पर कब्जा करना था, औरतों के जंगल पर। उनकी उत्पादकता को मुझे ही करना था नियंत्रित। मैं माफ़ी मांगता हूँ निर्भया से। मैंने ही बता रखा था कि देर रात घूमने वाली लड़कियाँ बदचलन होती हैं, और किसी लड़के के साथ घूमने वाली लड़की तो निहायत ही बदचलन होती है। वो लोहे की सरिया मेरी ही थी, मेरी संस्कृति की सरिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ आसिफा से। जितनी भी आसिफा हैं इस देश में उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। जितने भी उन्नाव हैं इस देश में, जितने भी सासाराम हैं इस देश में, उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने शब्दों और अपनी उन मुस्कुराहटों के लिए जो औरतों का उपहास करते थे। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी माँ को जाहिल समझने के लिए, बहन पर बंदिश लगाने के लिए, पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लड़कों को दरिंदा बनाने के लिए, मेरी बेटी जिनके लिए मांस का निवाला है। मैंने रची है अन्याय की पराकाष्ठा, मैंने रचा है अल्लाह और ईश्वर का भ्रम। अब औरतों को रचना होगा इन सब से मुक्ति का सैलाब। मुझे लगता था कि चिड़ियों के बारे में पढ़कर क्या होगा, मुझे लगता था कि चिड़ियों के बारे में पढ़कर क्या होगा, उन्हें बनाए रखने के लिए मारना बंद कर देना चाहिए। कारखानों में चिमनियां, पटाखों में बारूद, बंदूक में नली, या कम से कम इंसान के हाथ में उंगलियां नहीं होनी चाहिए। आसमान में आग नहीं, चिड़ियां होनी चाहिए। वनस्पति शास्त्र की किताब में अकेशिया पढ़ते हुए लगा कि इसे पढ़ना नहीं, बचा लेना चाहिए। आर्यों में दांत थे, दिमाग नहीं, हमारे हाथों में अब भी उंगलियां थीं, जबकि आसमान में चिड़िया होने के लिए मिट्टी में बाकायदा पेड़ का होना ज़रूरी था। फिर देखा मैंने स्त्री बची रहे, प्रेम बचा रहे, इसके लिए कलम का, भाषा का खत्म होना ज़रूरी है। हर हत्या हमारी उंगलियों पर आ ठहरी कि जिन्होंने प्रेम और स्त्री पर बहुत लिखा, दरअसल उन्होंने ही किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया कभी। एक कविता है, इसका शीर्षक है भय प्रवाह। लीजिए हम डर गए, लीजिए हम मर गए। आप ही यहाँ रहें, आप ही अपने कहें, आपकी सरकार है, आपका व्यापार है। हम अगर लड़ें भी तो, सामने पड़े भी तो, आप कर देंगे फना आपका भुजबल घना। आपकी जांघों में दम, आपकी आँखों में यम, आप चल दें जिस तरफ, हो जाए प्रलय उस तरफ। सुर असुर सब आप जी, सींग खुर सब आप जी, आपको संशय नहीं, आपको कुछ भय नहीं, आपसे सीता डरे, मंदोदरी छिपती फिरे। आप पंडित, आप जज, आपका ऊंचा ध्वज। लीजिए हम बैठ जाते हैं उधर, अब आप चलिए। ठीक है, इतना जरूरी है तो पहले राख मलिए, अब उठें, उठकर कहें जो मन में है, खुलकर कहें, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक, कुछ बेहतर कहें। हर सड़क का नाम स्वदेशी,
जी साहेब कर दिया, हर तरफ हुक्काम स्वदेशी जी मालिक कर दिया, औरतें साड़ी में निकलें वो तेरी जी भेज दी। साथ में सिंदूर की डिबियाएं भी जी भेज दी। लिखने पढ़ने सोचने वाले भी साहेब जा चुके, मीर खुसरो जोश मंटो और गालिब जा चुके, ज्ञान के भूखों को भी संतुष्ट हमने कर दिया, वेद सबके सामने एक एक कॉपी धर दिया, कर दिया जी कर दिया, इतिहास भी सब ठीक ठाक, बालकों के मुंह पे चिपका दी है एक एक गज की नाक, औरतें तो जी लगी हैं रात दिन जचगी पे ही, दफ्तरों में कारखानों में हैं केवल मर्द जी, यौन यौवन लग गए हैं संतति निर्माण में, सब प्राकृतिक विधि से हैं जुटे अभियान में, समलैंगिक जी सब हवालातों में कसरत कर रहे, सब सही कर दे कि सर अपनी पुलिस अमर रहे, पर कटी हुई औरतें भी हैं वहीं, सब हैं वहीं पर सब जनाब, हो गए सारे सिपाही वक्त के पाबंद साहब, पर कटी हुई औरतें भी हैं वहीं पर सब जनाब, हो गए सारे सिपाही वक्त के पाबंद साहब, और कहिए क्या करें क्या जल मरें, जिनके हृदय में ताप है वे सब, जिनके लिए दिल भी दुखाना पाप है वे सब, मस्तिष्क जिनका है विकल वे सब, जो चाहते हैं और उजले आज कल वे सब, जो सोचते हैं हर गली पहुंचे धरा के छोर तक वे भी, जिनके लिए भाई बहन हैं शेर बिल्ली मोर तक वे भी, जो चाहते हैं हाथ हर उठ खुद उठ के पहुंचे कौर तक वे भी, जो एक रोटी शाम को खा कुल बुलाएं भोर तक वे भी, जिनके लिए हर रंग का जिनके लिए हर रंग है इंसान का ही रंग जी अच्छा, जो औरतों पर मर्द के जुल्मों से होते दंग जी अच्छा, जो मर्द होकर भी नहीं करते कभी हुड़दंग जी अच्छा, पतलून जिनकी चुस्त और कुर्ते की बाजू तंग जी अच्छा कि जी साहिब की जी मालिक, ये सारे आ गए आइए अब, लाइए सब फौज फाटा तीर तस्कर गोलियां बारूद गोले, जो भी है जो आप चाहें जिस तरह भी आपका मन हो, लात से घूसे से लाठी से कि डंडे से जूते से या झंडे से, लगे जो आपको बेहतर उठाकर मारिए जी, जिस तरह चाहे जहां चाहें, अदालत में या संसद में, सड़क पर या के घर में, हमें अब कुछ नहीं कहना कि हम जी डर गए, और लीजिए ये मरा। एक कविता है नया राजपत्र। अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके तीन ही मतलब हैं, एक आप देशद्रोही हैं, उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों, अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं, दूसरा आप नक्सली हैं, या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों, आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं, तीसरा आपके पास काला धन है और आप उसे ठिकाने नहीं लगा पाए, या बहुत संभव है कि आपने उसे जन धन खातों में जमा करवा दिया हो, गरीब अधिक संदिग्ध हैं। इसके बावजूद अगर आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है तो ये सरकार की सहिष्णुता है, आपकी नहीं। एक काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वागत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है? जीवन संगिनी ने कहा,
थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की ज़रूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या हो। एक कविता पढ़ रहा हूँ मैं, इसका शीर्षक है लोक गायिकाएं। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है, वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती, वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं, उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं। इसलिए वे खलिहान में बैठी बैठी भी गाती हैं, तारों के नीचे सोती सोती भी। सदियों उन्होंने मुँह अंधेरे जाग कर घास लेट की चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं, वे कंदराओं में होने वाले प्रसवों के बारे में गाती हैं, वे खेड़ों के उजड़ने के बारे में गाती हैं, वे डेरों के जमने के बारे में गाती हैं। वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया, वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया। वे उस रामायण को गाती हैं जो रामायण में लिखने से रह गई। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं, वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं, वे पक्षियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। उनका गाना आज से नहीं है, उनका गाना आज से नहीं है, आज भर के लिए नहीं है, उनके विकल विरल स्वर अनंत काल तक के लिए है।